नमस्कार दोस्तों, अघोर सरना चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको काल भैरव की साधना बताऊंगा, काल भैरव की मंत्र साधना और उन्हें सिद्ध कैसे किया जाए, सरल और संक्षिप्त विधि। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भगवान शिव के रुद्र रूप कहे जाने वाले भैरव जी को वर्तमान समय में काल भैरव और बटुक भैरव के रूप में अधिक पूजा जाता है। जहां भैरव जी को बटुक भैरव के रूप में सौम्य और सात्विक माना गया है, वहीं काल भैरव के रूप में भैरव जी को उग्र और सभी तंत्र क्रियाओं के प्रमुख देव के रूप में पूजा जाता है। यहां इस वीडियो में मैं आपको काल भैरव के मंत्र को सिद्ध करने की सरल व संक्षिप्त विधि के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। काल भैरव मंत्र साधना आपके सभी दुखों को दूर कर आपको सभी प्रकार के सुख और समृद्धि से परिपूर्ण करने वाली है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ काल भैरव उपासना। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, कलयुग के समय में काल भैरव की उपासना शीघ्र फल प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग के समय में भैरव जी, हनुमान जी व महाकाली की उपासना अन्य सभी देवताओं से शीघ्र फल प्रदान करने वाली होगी। काल भैरव के भक्त अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार उनकी उपासना करते हैं। आइए जानते हैं काल भैरव को प्रसन्न करने हेतु उनके भक्त किस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, काल भैरव की उपासना में रविवार का दिन अति शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त उनकी उपासना शनिवार के दिन भी की जा सकती है। काले कुत्ते को काल भैरव का वाहन कहा गया है, इसलिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को गुलगुले बनाकर खिलाने से भी भैरव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भैरव जी का जन्म इसी अष्टमी को हुआ था। इस दिन भैरव उपासना करने से जीवन में आने वाली सभी कष्ट दूर होते हैं। भैरव अष्टमी के दिन भैरव मंदिर में उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। काल भैरव मंत्र साधना एवं उनके विशेष पूजा पाठ को रात्रि में स्वपन करने का विधान है दोस्तों। काल भैरव को उनके मंदिर में सरसों का तेल व सिंदूर चढ़ाया जाता है, साथ में मदिरा द्वारा भोग भी लगाया जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं काल भैरव का मंत्र, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और साधना विधि भी मैं आपको पूरी दे दूंगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मंत्र, ओम ऋण श्रीण नन गन कन सन खन महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं नन गन कन सन खन महाकाल भैरवाय नमः। दोस्तों ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ साधना विधि, तो ध्यान से सुनिएगा। रविवार की रात से इस काल भैरव साधना की शुरुआत करें। रात्रि को एक समय और एक स्थान सुनिश्चित कर ले। प्रतिदिन मंत्र जप कर दृढ़ संकल्प लेकर अपनी साधना शुरू करें। पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर काल भैरव की फोटो की स्थापना करें। ईशान कोण में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प लें व मंत्र जप शुरू करें। 41 दिन तक लगातार इस साधना को करें। 41 दिनों के पश्चात जितने मंत्र जप आपने इन दिनों में किए हैं उनके दशांश भाग से आहुति देकर हवन करें, ठीक है दोस्तों। मंत्र साधना व मंत्र सिद्ध करने की विधि के विषय में जानने के लिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि बटुक भैरव मंत्र साधना और भैरव मंत्र सिद्धि, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि साधना में मंत्र सिद्धि में ध्यान देने योग्य जरूरी बातें, तो ये भी दोस्तों बहुत जरूरी है, इनका भी आपने बहुत सावधानी से पालन करना है। काल भैरव मंत्र साधना करने वाले साधक सभी पीड़ाएं, बाधाएं व सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती है। जो भी काल भैरव की साधना करता है उसकी सभी पीड़ाएं, बाधाएं व सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती है। इस साधना को करने वाला साधक सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से छुटकारा पाता है। भारत में काशी व उज्जैन में काल भैरव का सिद्ध स्थान है, जहां भैरव अष्टमी को भैरव जी के दर्शन करना धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों ये थी भैरव जी की साधना, जो कि एक मित्र ने हमसे साधना मांगी थी।
तो इस करके मैंने आज भैरव जी की साधना आपको बताई। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारी विधि समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।